गाइस, कभी ना कभी हमारे पास जो अब सिचुएशन ये देखने को मिलता है कि अगर हम नया फ़ोन लेते हैं तो पुराने फ़ोन का जितना भी बैकअप होता है वह सारा का सारा जो है वह नए फ़ोन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या तो फिर जब हम हार्ड रीसेट करना चाहते हैं कि नहीं किसी वजह से, तो उसका बैकअप जो है वह दूसरे फ़ोन पे लेना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जीमेल के द्वारा जो है जीमेल में हम फ़ोन फ़ोटो ले लिया जाता है और नंबर जो होता है उसका भी बैकअप ले लिया जाता है। पर बात आती है जब SMS और कॉल लॉन्ग की, तो उसमें गाइस थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि उसके बारे में थोड़े कम जानकारी होती है। इसलिए तो गाइस इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप जो है वह एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में अपने जो है वह सारे कन्वर्सेशन जो आप मैसेज में बात किए हो वो सारा का सारा बैकअप या कॉल लॉन्ग को आप आसानी से कैसे दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लोगे। मतलब कि आपको दिखाऊंगा, मैं नया फ़ोन लिया तो उसका जो है पुराने फ़ोन का सारा बैकअप मैं लेने वाला हूँ, यही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बस छोटी सी, कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को एक सपोर्ट ज़रूर करें। तो आपको जो है वह एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, तो वो जो दोनों फ़ोन में आपको आवश्यक होगी, सुपर बैकअप ऐप। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ और गाइस जैसे सर्च करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं ये सुपर बैकअप ऐप जो है वह सिंपली दे देगा। तो उसमें क्या करना है, दोनों फ़ोन में आपको इंस्टॉल कर लेनी है। एंड गाइस जब दोनों फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको क्या करना है, पहले पुराने वाले फ़ोन में ये काम करना है, ये एप्लीकेशन को पहले ओपन कर लेनी है। एंड गाइस जैसे इस ये एप्लीकेशन को आप ओपन करते हो तो आपके पास जो है वह कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें दिख रहा है कि आप यहाँ ऐप, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, क्लाउड बैकअप, SMS या कॉल लॉन्ग। तो गाइस सिंपली मैं इसमें बताने वाला हूँ SMS को बैकअप कैसे लिया जाता है। तो सिंपली गाइस SMS पे क्लिक करेंगे। एंड गाइस जैसे SMS पे क्लिक करेंगे तो आपको मैं बता दूँ, जो भी परमिशन मांगा जाएगा उसे आप अलाउ कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे मैं अलाउ कर दे रहा हूँ। एंड गाइस जैसे अलाउ करने के बाद अब सब कुछ फिर अलाउ कर दिए। एंड गाइस यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अब आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जा रहा है, जिसमें कि यहाँ देख रहा है बैकअप ऑल और बैकअप कन्वर्सेशन का ऑप्शन है। तो क्या करना है, अगर आपको सभी बैकअप SMS का नहीं लेना है तो यहाँ आपको बैकअप कन्वर्सेशन पे क्लिक करेंगे। एंड जैसे गाइस वहाँ पे क्लिक करेंगे ना, जैसे बैकअप कन्वर्सेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वह सिलेक्टेड जो जो आप सिलेक्ट करके अपना बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ सब सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं सिंपली ऑल बैकअप पे क्लिक लेना चाहता हूँ, तो यहाँ बैक हो जाता हूँ और ऑल बैकअप पे क्लिक करूँगा। गाइस जैसे ऑल बैकअप पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको ये दिखा देगा कि ये जो है वह कहाँ आपका ये जो बैकअप होगा वह सेव होगा। तो सिंपली यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। एंड गाइस जैसे ओके पे आप क्लिक करोगे ना, आपका सारा का सारा बैकअप जो है वह लेना शुरू हो जाएगा और आपको तब तक वेट करनी है जब तक ये सारा का सारा बैकअप कंप्लीट ना हो जाए। तो गाइस ये अभी बैकअप ले रहा है, तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, भाई को एक सपोर्ट कर दो। तो यहाँ बैकअप हो चुका है, अब हमें क्या किए हैं, ये बैकअप को जो है वह ट्रांसफ़र कर देनी है नए वाले फ़ोन पर। तो चलिए मैं ब्लूटूथ के थ्रू जो है वह इसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। एंड गाइस आप भी आप जिस भी माध्यम से ट्रांसफ़र करना चाहते हो फाइल को, XML फाइल को, तो उसे जो है वह ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। एंड गाइस यहाँ ट्रांसफ़र होने के बाद अब आपको क्या करना है, जो नया वाला फ़ोन है या जिसमें बैकअप आप लेना चाहते हो उसका जो है वह एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे होंगे सुपर बैकअप ऐप का, तो उसे ओपन करेंगे। एंड गाइस जैसे आप ओपन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है, जिसमें यहाँ सिलेक्टेड मतलब फाइल को सिलेक्ट करने के लिए बोलता है, तो आप कुछ भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। एंड गाइस जैसे आप फाइल को सिलेक्ट करोगे तो फिर से यहाँ क्या करना है, SMS पे क्लिक करनी है और वही काम करना है आपको। फिर से अगर अलाउ मांगता है तो यहाँ अलाउ दे देनी है, जितनी भी परमिशन मांगता है तो अलाउ कर देनी है। एंड यहाँ से आपको थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा रीस्टोर, आपको दिख रहा है कहीं रीस्टोर, तो गाइस सिंपली रीस्टोर पे क्लिक करेंगे। एंड रीस्टोर पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, तो उसे क्या करना है यहाँ पे ओके कर देनी। एंड गाइस जैसे आप ओके कर दो तो आपके पास यहाँ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ नीचे आपको दिख रहा है सुपर बैकअप, तो गाइस उस पर सेलेक्ट कर लेनी है एंड सेट एज डिफॉल्ट, इस पर क्लिक कर देनी है। और जैसे आप क्लिक होगे तो आपको जो है वह यहाँ से क्लिक करने के बाद वो फाइल को चूज करनी होगी। तो आप वो फाइल कहाँ लिए हैं, तो मैं सिंपली ब्लूटूथ के द्वारा ही लिया हूँ, तो ब्लूटूथ पर वहाँ जाके और उस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, और गाइस जैसे सिलेक्ट किया उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं ये सारा का सारा जो है वह बैकअप लेना शुरू हो रहा है और आपको वही वेट करनी है जब तक ये सारा बैकअप कंप्लीट ना हो जाए। एंड गाइस यहाँ जब सारी बैकअप कंप्लीट हो जाएगी तो सिंपली क्या करना है, तो गाइस यहाँ देख सकते हैं सारा बैकअप मेरा ले लिया है। अब क्या करना है, अब हमको आपको दिखा देते हैं कि ये सारा का सारा दोनों फ़ोन में मतलब
जिस फ़ोन में मैंने बैकअप लिया वह कंप्लीट हुआ कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, SMS पे आएंगे और यहाँ डिफ़ॉल्ट पे दिख रहा है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे जो दिख रहा है डिफ़ॉल्ट वाला, उस पर क्लिक करके और SMS वाला जो हमारा फ़ोन पे होता है उस पर क्लिक कर देंगे, ताकि ये सारा का सारा डेटा इसमें आ जाए। तो यहाँ कंप्लीट कर दिए। अब दोनों फ़ोन को हम कंपेरिजन कर रहे हैं और आप देख सकते हो दोनों फ़ोन का जो बैकअप है, दोनों फ़ोन का SMS वा सेम का सेम आपको दिख जाएगा। ऐसा करके जो है अपने फ़ोन का जो है वह बैकअप ले सकते हो, मतलब SMS बैकअप या कॉल लॉन्ग का बैकअप यहाँ से आप ले सकते हो। तो आई होप गाइस वीडियो आपका अच्छी लगी, वीडियो को एक लाइक कर देना, और गाइस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को एक सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और इसके रिलेटेड कोई भी क्वारी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं अवश्य ही आपको रिप्लाई दूंगा। और गाइस फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।